यूक्रेन युद्ध को एक महीना बीत चुका है, लेकिन दोनों ही देश युद्ध विराम पर राजी नहीं है। रूस के अलग अलग हथियार यूक्रेन की सेना और शहरों को निशाना बना रहे हैं। वहीं अमेरिका भी यूक्रेन को ऐसे हथियार दे रहा है जिससे रूस के टैंकों और गाड़ियों को महज सेकंड भर में ध्वस्त किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को 100 स्विचब्लेड ड्रोन दिए हैं। स्विचब्लेड ड्रोन को कामिकेज किलर ड्रोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इंसान की ऊंचाई के बराबर इसे उड़ाया जाए तो इसकी तेज धार विंग्स कई सैनिकों को गहरे घाव दे सकती है। चलिए आपको बताते हैं ये स्विचब्लेड ड्रोन कितने खतरनाक होते हैं। स्विचब्लेड ड्रोन्स होते तो छोटे हैं, लेकिन इनका वार बहुत सटीक और घातक होता है। ये आसानी से कहीं भी दागे जा सकते हैं और अपने टारगेट की तरफ बढ़ने के बाद इन्हें रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें लगे कैमरे की वजह से ये पहाड़ियों, इमारतों, जंगलों में छिपे दुश्मनों को भी ढूंढ निकालता है। दुश्मनों को खोज खोज कर मारने वाला ये ड्रोन दो तरह का होता है। पहला है स्विचब्लेड 600 और दूसरा है स्विचब्लेड 300। अब आपको बताते हैं इन दोनों ही घातक ड्रोन्स में क्या फर्क है। स्विचब्लेड 600 का वजन 25 किलो होता है, वहीं स्विचब्लेड 300 2.5 किलो का है। स्विचब्लेड 600 जहां 40 मिनट तक हवा में उड़ सकता है, वहीं स्विचब्लेड 300 महज 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला स्विचब्लेड 600 दुश्मनों पर गिरकर विस्फोट से उसे उड़ा देता है, वहीं स्विचब्लेड 300 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध एक अलग मोड़ पर आ चुका है। इस हमले में कई देश ऐसे हैं जो फ्रंट फुट पर तो नहीं बल्कि पीछे से साथ दे रहे हैं। एक महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी तबाही का मंजर जारी है। यहाँ तक कि बातचीत का भी कोई असर इन दोनों देशों पर नहीं पड़ रहा है। इस जंग में आगे क्या होगा और क्या बचेगा, ये तो समय ही बताएगा।